नमस्कार, मैं कौमुदी शुक्ला, UPRTOU प्रयागराज से आज आपके समक्ष अपने चौथे व्याख्यानमाला के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आपका पेपर है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, जिसमें आज हम यूनिट 3 जो है फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम रियलिज्म की बात करेंगे। इससे पहले हमने सबसे पहले आइडियलिज्म पढ़ा था, उसके बाद में हमने देखा कि नेचुरलिज्म में कैसे उस विचारधारा को खंडित करके एक नई विचारधारा जिसका नाम नेचुरलिज्म था वो आई, और उसके बाद में देखेंगे कि नेचुरलिज्म के बाद में जो ये शिफ्ट हुआ और उसके बाद में ये रियलिज्म के नाम से एक विचारधारा आई, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जो आपका रियलिज्म है, जो शब्द है, वो उसको वस्तुवाद, अगर हिंदी में देखें तो वस्तुवाद, वास्तववाद या यथार्थवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो बिल्कुल ही जैसा नाम है रियल और इज्म, यानी वो रियल जो है वो यथार्थ जो चीज़ें हैं उनको, उनकी बात करता है, यानी वो ये बात करता है कि जो रियलिटी है वही सबसे ज़्यादा प्रभावी है, उसी के हिसाब से हमें चीज़ों को मोल्ड अप करना चाहिए, यानी उसी के हिसाब से हमें अपनी जो शिक्षा की जो स्ट्रक्चरिंग है वो उसी के हिसाब से करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मीनिंग जो दे रखा है कि जो ये टर्म है वो लैटिन वर्ड रियलिस से आई है, जिसका मतलब रियल है, एंड वॉज फर्स्ट यूज इन द एब्स्ट्रैक्ट मेटाफिजिकल सेंस बाई इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने सबसे पहले इसको, इस शब्द को यूज़ किया था। हालांकि इसके जो फादर हैं वो अरस्तु जी हैं, ठीक है, रियलिज्म के जो फादर माने जाते हैं वो अरस्तु जी माने जाते हैं, उन्हीं को फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड्स भी कहा जाता है। तो आप जैसे इस विचारधारा को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये विचारधारा कितनी ज़्यादा साइंटिफिक है और कितना ज़्यादा रियलिटी पे फोकस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मीनिंग है वो देख लीजिए कि रियलिज्म बिलीव्स इन द वर्ल्ड विच वी सी और परसीव टू बी ट्रू, यानी जो करंट वर्ड है आपका, जो हम वर्ड जो परसीव करते हैं, जो हमारे सेंसेस जिस चीज़ को परसीव कर रहे हैं, जो हमारा जो वर्ड है उसी के बारे में ये बात करता है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि रियलिस्ट बिलीव इन द प्रेजेंट लाइफ, ये प्रेजेंट लाइफ पे विश्वास करता है। यहाँ पर प्रेजेंट लाइफ, हैप्पी लाइफ, सुखी जीवन, आप इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखेंगे कि ये इसी चीज़ पे फोकस्ड, जितने भी यथार्थवादी हैं वो जो है चाइल्ड की जो प्रेजेंट लाइफ है उसके ऊपर सेंटर्ड हैं और उसी को चाहते हैं कि वो एक हैप्पी लाइफ जिए, जो भी जो भी आपको शिक्षा दी जाए उसके थ्रू हैप्पीनेस को वो गेन कर पाए। उसके बाद में है रियलिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, ठीक है, जो अपीयरेंस है और जो रियलिटी है वो दोनों के बीच में एक जो है, एक इसका टेनेट भी है, आपने शायद सुना होगा कि जो पेसिमिस्ट है, यानी जो नेगेटिविटी को जो फोकस के फोकस में जो रहता है वो हमेशा कंप्लेंट्स करता है, ठीक है, जो ऑप्टिमिस्ट है वो हमेशा सोचता है कि काश ये सिचुएशन चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन जो रियलिस्ट है वो हमेशा ये चाहता है कि एडजस्ट करना चीज़ों को, जो भी रियलिटी है, जो भी सिचुएशन है उसमें एडजस्टमेंट की बात करता है कि कैसे कैसे हम चीज़ों को एडजस्ट करके अपने हिसाब से उसको मोल्ड करें और एक अच्छी और सुविधाजनक चीज़ों का निर्माण कर सकें। इंडिविजुअल्स डू नॉट मेक रियलिटी, दे ओनली डिस्कवर इट, ठीक है, तो वो कहता है कि जो है इंडिविजुअल्स जो है वो जो है डिस्कवर करते हैं रियलिटी को, और realists tend to believe that what we believe now is only an approximation of reality and they every new observation brings us closer to understanding reality, ठीक है, जो भी एक single जैसे बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है तो एक step by step वो धीरे धीरे reality को ही समझता है, ठीक है। यहाँ पर teachers ही, teacher supreme है जो उस reality की तरफ उस बच्चे को जो है बताने की कोशिश करता है, उस रियलिटी के बारे में बताने की कोशिश करता है, और उसकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसके लिए वो चाहता है कि कैसे उसके अंदर डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो इनबिल्ड। यहाँ पर देखिए आपके जो प्रोपोनेंट्स हैं उसमें, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि अरस्तु जी ही इसके फादर, जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है और भी लोग हैं, जैसे थॉमस एक्विनस एक बड़ा नाम है वो थे, उसके अलावा कमेनियस हैं, बर्ट्रेंड रसेल हैं, जॉन लॉके जी हैं, ठीक है, और यहाँ पर और भी नाम आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, फ्रांसिस बेकन है, ठीक है। इस तरीके से जो वेस्टर्न फिलॉसफी में इसने बहुत फिलॉसफर्स का नाम यहाँ पर दे रखा है,
और उसके साथ ही साथ आपके जो इंडियन फिलोसोफर में एक मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आता है जो इस विचारधारा के समर्थक हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि हम फिलॉसफी की पिछले सेशंस में जब हमने बात की, चाहे आइडियलिज्म की बात की हो चाहे नेचुरलिज्म की बात की हो, तो हम फिलॉसफी को जिन तीन एंगल से पढ़ा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक मेटाफिजिक्स है, एक आपका जो है एपिस्टेमोलॉजी है, और एक एक्सियोलॉजी है। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स जो तत्व मीमांसा की बात करता है कि वहाँ पर क्या रियालिटी है, तो वो उसके बारे में कह रहा है कि रियालिटी इज एक्सटर्नल एंड इट कैन बी वेरीफाइड। ठीक है, रियलिटी जो है वो एक्सटर्नल है, ठीक है, और उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, यानी वो ऑब्जर्वेबल है, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो इसकी बात करता है। फिर रियलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। ठीक है, इस वर्ड का यही मतलब है कि भले ही हम उस चीज़ को, क्योंकि जैसे आप आइडियलिज्म में देखते हैं, आइडियलिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट है ये, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कोई भी चीज़ है तो उसका एग्जिस्टेंस है, भले ही हमारा ह्यूमन माइंड उस चीज़ को परसीव ना कर पा रहा हो, क्योंकि हर एक ह्यूमन माइंड जो है अपना एक डिफरेंट परसेप्शन, डिफरेंट एक जो है वे ऑफ थिंकिंग, तो इस टाइप का उनका होता है, पैटर्न होता है अपना। ठीक है, तो भले ही उस चीज़ को वो परसीव ना कर पाए, लेकिन फिर भी रियलिटी या जो एक वस्तु है वो एग्जिस्ट करती है, भले ही वहाँ तक सोच नहीं पा रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड है। फिर वर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट, विच मीन्स अल्टीमेट रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव वर्ड। ठीक है, जो है क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक विचारधारा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि जो वर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसके एग्जिस्टेंस पे ये बिलीव करते हैं, और उसके अलावा ये कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव वर्ड है। एक चीज़ है ऑब्जेक्टिव और एक चीज़ है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब है कि एक ही चीज़ के बारे में डिफरेंट डिफरेंट व्यूज, ठीक है, जो डाइवर्जेंस को जो एम्फोसाइज करता है, और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो एक चीज़ है उसका सिर्फ एक व्यू, ठीक है, वो कन्वर्जेंस को यहाँ पर दिखाना चाह रहा है। फिर प्लूरलिस्टिक वर्ड, क्योंकि ये जो है मटीरियलिस्टिक विचारधारा है, और ये प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जैसे आप आइडियलिज्म को देखते थे वहाँ पर मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट था वो, ठीक है, मोनोइज्म को फोकस कर रहा था, यहाँ पर ये प्लूरलिस्टिक वर्ड को फोकस करती है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर एपिस्टेमोलॉजी में यहाँ पर क्या कह रहा है कि नॉलेज इज डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, नॉलेज जो हम डिराइव करते हैं वो थ्रू एक्सपीरियंसेस डिराइव करते हैं। फिर यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिफिक मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशंस की बात भी कही गई है, रिसर्चेस की बात भी कही गई है, उसके अलावा आपका साइंटिफिक मेथड्स, क्योंकि ये इसका टेनेट है कि ये बोलता है कि आप जो भी चीज़ें हैं वो साइंटिफिक हैं। ठीक है, जो भी साइंटिफिक मेथड्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, और ये उन्हीं को अपने मेथड्स में इनकॉर्पोरेट करता है। फिर आपका एक्सियोलॉजी है, तो एक्सियोलॉजी में क्या कह रहा है कि डिस्कवर वैल्यूज इन इमीडिएट स्कूल लाइफ। ठीक है, यानी जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी इमीडिएट स्कूल लाइफ है, यानी जहाँ जो इमीडिएट स्कूल लाइफ का मतलब है इमीडिएट एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से ही आपको वैल्यूज़ डेवलप करनी है। ठीक है, जो टीचर है, क्योंकि ये जब आप अभी डिसिप्लिन में देखेंगे तो यहाँ पर इम्प्रेशनिस्टिक और एक इमानसिपेटर डिसिप्लिन की बात कही गई है। ठीक है, तो इम्प्रेशनिस्टिक वो वाला डिसिप्लिन है, जैसे आइडियलिज्म में कहा जाता है कि टीचर जो है टीचर के इम्प्रेशन से वो बच्चे के अंदर डिसिप्लिन क्रिएट होता है, यानी वहाँ पर क्या था कि टीचर जो था वो सुप्रीम था। ठीक है, वो ऐसा बिहेव करे जिसकी वजह से बच्चे उसको रोल मॉडल की तरह से परसीव करे। ठीक है, तो वो इम्प्रेशनिस्टिक हो गया। और इमानसिपेटर का मतलब है कि विद फ्रीडम। ठीक है, जैसे वहाँ पर हम फ्रीडम नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर विद फ्रीडम की बात कही जाती है कि एक इम्प्रेशनिस्टिक भी डिसिप्लिन हो लेकिन वो विद फ्रीडम। ठीक है, फिर यहाँ पर बिहेवियर should be socially and rationally accepted. ठीक है, जो बिहेवियर है वो socially और rationally accepted हो। ठीक है, यानी तार्किक रूप से भी और socially, क्योंकि ये जो है societal, social development की बात बहुत ज़्यादा करता है, individual और social development की बात। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि जो है जो भी चीज़ हो, जो भी behaviors हो, वो socially भी हो और rationally accepted हो। वैल्यूज़ आर डिराइव फ्रॉम नेचर एंड आर एब्सोल्यूट एंड एक्सटर्नल। ठीक है, वैल्यूज़ जो हैं वो नेचर से ही डिराइव किए जाएंगे और वो एब्सोल्यूट हैं और एक्सटर्नल। अब यहाँ पर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं रियलिज्म के, ठीक है, जैसे कुछ तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं
कि ये एक मटेरियलिस्टिक विचारधारा है, ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करती है, इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट की बात करती है, बच्चे के फिजिकल और मेंटल पावर्स की डेवलपमेंट की बात करती है, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें भी यहाँ पर लिखी हुई है कि बिलीव्स इन द मटेरियल वर्ल्ड, बॉडी और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक विचारधारा है, तो ये जो है बॉडी, ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल पे ही फोकस्ड है। फिर ऑपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म, मैन इज अ पार्ट ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि ये आइडियलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिशन में ये विचारधारा आई और इसने कहा कि मैन जो है वो पार्ट है मटीरियल वर्ल्ड का, ठीक है। जैसे वो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा था, ये बता रहा है कि सब कुछ मटीरियल वर्ल्ड से ही जो है गवर्न्ड है। एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर आपका एम्फेसिस होना चाहिए। फिर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट की बात करता है, चाइल्ड के इंडिविजुअल यानी पर्सनल डेवलपमेंट की और उसके साथ ही सोशल डेवलपमेंट की ये बात करता है। फिर रिजेक्ट ट्रांसेंडेंटलिज्म यानी बियॉन्ड स्पिरिचुअलिज्म, यानी ये जो ये वर्ड है ये सिर्फ यही कहता है कि स्पिरिचुअलिज्म से बियॉन्ड भी एक जगह है, उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। हर एक चीज़ सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी आपके काम से, ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कर्म प्रधान, तो हमें अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ पे फोकस करता है, जैसा कि रियलिटी है। फिर प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट है ये, नॉलेज इज जनरेटेड बाय इंटरैक्शन ऑफ मैटर एंड माइंड, ठीक है, जब मैटर और माइंड का इंटरैक्शन होगा तभी नॉलेज जनरेट होगी, ये इस बात को कहता है, ठीक है। फिर बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वैल्यूड, यानी जो भी इंडिविजुअल्स हैं और सोसाइटी की अपनी एक अलग वैल्यू है, ठीक है, दोनों की ही इम्पोर्टेंस है, ये इसकी बात करता है, यानी एक पर्सनल भी एक अलग वैल्यू है और एक सोशल की भी अलग वैल्यू है। फिर इसमें जो एम्स ऑफ एजुकेशन बता रखे हैं, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर रियल लाइफ, ठीक है, यानी जो चाइल्ड है उसको उसके रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, ये बोलता है। फिर प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, ये जो चाइल्ड की जो प्रेजेंट लाइफ है उस पर ही फोकस्ड है, उस पर ही सेंट्रिक है, तो ये बताता है कि जो है जो चाइल्ड है उसको हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ देने के लिए, सुखी जीवन देने के लिए, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है, जिसमें सेंस शुड बी डेवलप थ्रू अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, ठीक है, सेंसेस के भी ट्रेनिंग की ही बात करता है कि सेंस की भी ट्रेनिंग होनी, सेंसेस की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे कि वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस की बातें कही गई हैं। फिर एम्स आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल्स एंड हिज पर्सपेक्टिव, यानी एम्स जो है वो इंडिविजुअल्स वो जो है स्पेसिफिक है इंडिविजुअल से और उसके साथ ही साथ उसके पर्सपेक्टिव से, ठीक है, वो कैसा सोच रहा है, उसका क्या क्या परसीविंग है चीज़ों को लेकर के, वो कैसा परसीव कर रहा है, ये उस पर फोकस करता है। फिर एम्फसाइज ऑन साइंटिफिक टेंडेंसीज एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड, क्योंकि ये साइंटिफिक एटीट्यूड के डेवलपमेंट की बात करता है, तो इसमें यही बातें कही गई हैं कि ये साइंटिफिक टेंडेंसीज के डेवलपमेंट की बात करता है। फिर और एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च, इन सब चीज़ों की बात करता है। फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत फोकस किया गया है कि लर्निंग का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको फोकस किया जाए। फिर इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन, यानी ये भी यही बात कहता है जैसा गांधी जी कहते थे कि जो भी शिक्षा अगर हमें ब्रेड और बटर नहीं दे पा रही है, हमें रोजगार नहीं दे पा रही है, तो वो शिक्षा व्यर्थ है, ठीक है, तो ये उसकी बात करता है। फिर अक्वेंटिंग द चाइल्ड विद अ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी जो आपका चाइल्ड है उसको नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू एक्वेंट करना, ये इसके बारे में बात। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो एम्स ऑफ एजुकेशन है उनमें सबसे ज़्यादा जो बात कही गई है बिहेवियर और एक्सपेरिमेंटेशन पे, ठीक है, और उसके साथ ही साथ ये आपको जो है चीज़ें जो बता रहा है कि चाइल्ड की जो है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के अपलिफ्टमेंट की बात करता है। फिर करिकुलम जो है उसी के हिसाब से आपका करिकुलम भी, क्योंकि एम्स जैसे होंगे एजुकेशनल वैसे ही आपका करिकुलम भी डेवलप होगा, तो करिकुलम में इसीलिए कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एंड नीड्स, ठीक है, जो भी करिकुलम हमें फ्रेम करना है वो पहले हमें यूटिलिटी क्या है उसका उसका और उसके साथ ही साथ नीड्स क्या है, ठीक है, क्या क्या आवश्यकताएँ हैं उन पर फोकस करता है। फिर
सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू डे टू डे लाइफ आर इंक्लूडेड, ठीक है, क्योंकि ये रियलिटी को फोकस्ड है, ठीक है। तो रियलिटी में जाहिर सी बात है कि जो भी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी चीज़ें हमें आ रही हैं काम, हमको उनके बारे में पढ़ने के लिए ये बात करता है, ठीक है। क्योंकि हमने मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमने बहुत सारा स्विमिंग के पैटर्न को वाली बुक में पढ़ भी लिया कि स्विमिंग कैसे करते हैं, या फिर हम कैसे जो है वाटर के प्रेशर को कैसे अपने से वो कर सकते हैं, मतलब उसमें हमने सारी थ्योरी जो है भले ही हमने अपने अंदर आत्मसात कर ली, लेकिन अगर जब तक हम स्विमिंग पूल में नहीं उतरेंगे तब तक हम उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाए। तो ये उसकी बात करता है कि हमें जो भी नॉलेज मिली उसको प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में हमें उसको उसको एक्सपेरिमेंट आउट करना है और देखना है कि हम वो चीज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। फिर नो गैप बिटवीन वॉट इज लर्न इन स्कूल एंड वॉट इज एक्चुअल देयर इन लाइफ, ठीक है। ये हमेशा ये बात करता है कि जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो एक्चुअल लाइफ में जो है उन्हीं चीज़ को हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये अगर आप दूसरे सेंस में देखें तो ये बुकिश लर्निंग को बिल्कुल डीमोटिवेट करता है, ठीक है। ये बिल्कुल बुकिश लर्निंग को जो है बिल्कुल भी फेवर आउट नहीं करता, और उसके साथ ही साथ ये हमेशा जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो यूटिलिटी बेस्ड चीज़ें हैं, उन पर फोकस्ड है। जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस मनाना स्टार्ट किया, उसके बाद में जो है आपने देखा होगा कि उसके थोड़े ही दिनों के बाद में कुछ योगा के इससे रिलेटेड कोर्सेज बहुत ज़्यादा लॉन्च हुए, ठीक है। हर जगह हर व्यक्ति जो है सोच रहा था कि हम योगा का कोई एक सर्टिफिकेट ले लें, या फिर इसके थ्रू हम कहीं स्कूल में प्लेस हो जाए या कॉलेज में प्लेस। इसका एक तो ये भी है कि वो वहाँ से एक हमें ट्रिगर मिला, दूसरा ये भी है कि अब हम क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम जितनी भी चीज़ें जो खा रहे हैं पी रहे हैं उससे हमारी तबीयत को खराबी ही हो रही है, तो उसके लिए क्या है, अब हम हेल्थ कॉन्शियस को ज़्यादा ही हो रहे हैं, इसलिए अब हम योगिक एजुकेशन और इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा फेवर अप करते हैं। फिर है नो गैप बिटवीन, ये बता दिए है आपको। फिर नेचुरल साइंस बायोलॉजिकल, जो यहाँ पर करिकुलर में जो सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, तो उसमें देख लीजिए कि आपकी नेचुरल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, स्पोर्ट्स है, हेल्थ कल्चर, फिजिकल एक्सरसाइजेस, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल यूटिलिटी यानी एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी होनी चाहिए, उसका कुछ रिलेवेंस भी होना चाहिए आपकी लाइफ में, ये इसकी बात करता है। फिर है नो सेपरेट करिकुलम फॉर मोरल एजुकेशन, यानी मोरल एजुकेशन के लिए कोई एक सेपरेट करिकुलम की बात नहीं करता है ये। फिर करिकुलम के बाद में कि अब हम मेथड क्या यूज़ करेंगे टीचिंग के लिए, तो इसके बारे में ये बताता है कि बिलीव्स इन सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, जो है ये सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग को पे फोकस करता है, जिसमें लेक्चर्स, डिस्कशन, सिंपोजियम्स, इन सब की ये बात करता है कि इन सब के थ्रू हम जो है, बाकी ये आप एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च, इन सब चीज़ों के बारे में भी ये बोलता है। फिर है टीचिंग मेथड्स फोकस ऑन मास्टरी ऑफ फैक्ट्स एंड बेसिक स्किल्स थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड रेसिटेशन, ठीक है। जो भी टीचिंग मेथड्स हैं वो फोकस करें मास्टरी की तरफ, जो सब्जेक्ट की मास्टरी है वो इनबिल्ट कर सके बच्चे के अंदर, ठीक है। फिर इंडक्टिव मेथड की बात करता है ये, बेकन का आपको पता होगा कि इंडक्टिव मेथड है। फिर उसके बाद में ऑडियो विजुअल एड्स टू डेवलप सेंसरी पावर्स इन चिल्ड्रन, यानी ऑडियो विजुअल एड्स की बात करता है, जिससे कि क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि सेंसेस के थ्रू ही, जब सेंसेस का इंगेजमेंट हम करेंगे लर्निंग में, तभी बच्चा लर्न कर सकता है, तो इसीलिए ये ऑडियो विजुअल एड्स की बात करता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनको जब हम इंगेज करेंगे अपनी लर्निंग में, तभी हम जो है बच्चे की एक प्रभावी ढंग से लर्निंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जिससे कि सेंसरी पावर्स जो चिल्ड्रन में है उसको हम डेवलप कर सकें। फिर नो ऑब्जेक्शन टू मेमोराइजेशन एट एन अर्ली स्टेज, लेकिन अर्ली स्टेज पर जो मेमोराइजेशन की जो बात कही जाती है उसके का भी ये फेवर करता है, उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। फिर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड फॉर अ टीचर अकॉर्डिंग टू रियलिज्म इन एजुकेशन इज द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस इज ऑफ वॉट इज टॉट, ठीक है। यानी जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे ही है कि कैसे एक टीचर, ठीक है, जो रियलिज्म
विचारधारा को फेवर अप करता है वो यही चाहता है कि जो वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज टॉट है, यानी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, उस पर चाइल्ड फोकस रहे। ठीक है, तो इससे आपको समझ में भी आ गया हो कि साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड्स पे ये फोकस करता है, रिसर्चेस पे ये फोकस करता है, सेल्फ एक्सपीरियंस पे भी ये फोकस करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की बात कही गई है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कोरिलेशनल मेथड, ये जितने भी आपको जो साइंटिफिक मेथड्स हैं ये उनका उनको जो है अपने विचारधारा में जो है शामिल कर। फिर यहाँ पर डिसिप्लिन की बात कही गई है, ठीक है, कोई पनिशमेंट की, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो है आपका इम्प्रेशनिस्टिक और इमानसिपेटरी डिसिप्लिन की बात करता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई पनिशमेंट नहीं देनी है, मतलब थोड़ा उसको फ्रीडम भी देनी है, बहुत ज़्यादा उसको एकदम बाइंड करके नहीं रखना, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नहीं है, लेकिन कहता है कि पनिशमेंट नहीं देनी है। ठीक है, कि और पर्पज ऑफ डिसिप्लिन इज टू मेक पीपल सबमिट हिमसेल्फ टू द डायरेक्शंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन जो फिजिकल, जैसे नेचुरलिज्म जैसे बता रहा था कि उस टाइप का डिसिप्लिन, वही ये भी बताता है कि फिजिकल वर्ल्ड में उसको सर्वाइव करना है, रियलिटी पे फोकस होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो टीचर है उसको सारे कंटेंट को एक साइंटिफिक तरीके से विद डिसिप्लिन बच्चे के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। एडवोकेट डिसिप्लिन बाय प्रोवाइडिंग अ गुड फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो है ये उस डिसिप्लिन को एडवोकेट करता है जहाँ पर एक गुड फिजिकल एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड की जाए। फिर आपका है टीचर, यहाँ पर तो टीचर को यहाँ पर बहुत ही सुप्रीम माना गया है। ठीक है, टीचर को माना गया है कि वो एक सुप्रीम पावर है और वो जो है ही ब्रिंग्स अ चाइल्ड इन टच विद रियलिटीज ऑफ लाइफ, सो हिज रोल इज सुप्रीम। ठीक है, तो यानी वो जो है जो आपकी रियलिटीज है लाइफ की, वो उनके करीब बच्चों को लेकर के आता है। ठीक है, तो इसलिए उसका रोल भी सुप्रीम है और वो ही जो है, मतलब अपने जो व्यूज हैं, ठीक है, वो टीचर एक साइड में रखते, लेकिन उसको फोकस क्या करना है कि बच्चे को अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, उस हिसाब से बच्चे को ट्रेन करना है। ठीक है, अपने व्यूज को वहां पर नहीं थोपना है। ठीक, तो ये इसकी बात करता है। फिर टीचर इम्पार्ट साइंटिफिक नॉलेज टू द चाइल्ड इन एन ईजी एंड इफेक्टिव वे। ठीक है, जो भी, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज देनी है, ये पूरी की पूरी जो रियलिज्म फिलॉसफी है वो साइंटिफिक मेथड्स को ही प्रूवन अप करती है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वो जो टीचर है उसको साइंटिफिक नॉलेज को ही बच्चे को देना है, लेकिन इन एन ईजी एंड इफेक्टिव वे, जिससे वो समझ सके चीज़ों को। टू इम्पार्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। ठीक है, जो भी आप बच्चे को जो है इन्फॉर्मेशन दें वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। ठीक है, क्योंकि रियलिटी है वो कांस्टेंट फ्लक्स में है, एवर चेंजिंग है, तो उसके हिसाब से ही चीज़ों को आपको फ्रेम करना है। फिर स्कूल जो है, क्योंकि ये सोशल डेवलपमेंट की बात करता है और स्कूल को ये मिनिएचर सोसाइटी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्कूल इज सोशली वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन, यानी जो स्कूल है वो एक सोशली वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है, पूरा का, और उसके साथ ही साथ वो सोसाइटी का मिरर होना चाहिए। ठीक है, जैसा सोसाइटी में है वैसा ही स्कूल में भी परिलक्षित होना चाहिए। फिर है फोकस इज ऑन द बेसिक्स ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ठीक है, इसने ये भी कहा है कि जो भी फंडामेंटल जो बेसिक है रीडिंग राइटिंग या मैथ्स के, उस पर फोकस करना चाहिए। फिर उसके बाद में क्लासरूम इन्वायरमेंट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, जो क्लासरूम का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, टीचर को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ यूटिलाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। ठीक है, यानी एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग को हमें फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, ठीक है, उनको हमें यूज़ करना है, यानी कि जो है हमें टेस्टिंग में कोई भी इधर उधर की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं करना है। एजुकेशन शुड बी फन एंड इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट, यानी ये भी देखिए जो है एक जो साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनको भी फोकस करता है, चाइल्ड को सेंटर में रख करके फन सीकिंग होनी चाहिए। ठीक है, वो जो है थोड़ा सा बच्चे को फनीएबल लगे और उसके साथ ही साथ इंटरेस्टिंग लगे। फिर उसके बाद में फोकस ऑन द फिजिकल वर्ल्ड
आर्ग्यूइंग दैट रियलिटी नॉलेज एंड वैल्यू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड. ठीक है, ये फिजिकल वर्ल्ड पे फोकस्ड है और ये यही बताता है कि माइंड से इंडिपेंडेंट सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. तो रियलिस्ट बिलीव दैट स्कूल शुड प्रमोट ह्यूमन रैशनैलिटी थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. यानी ये कहते हैं कि जो है सारी ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, भले हम एक्सपेरिमेंट आउट या ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हम उन चीज़ों तक पहुँच सकते हैं. स्टूडेंट्स हैव टू टेक अ हैंड्स ऑन अप्रोच. ठीक है, यानी उनको रियल जो है अप्रोच से हमें उसको पढ़ाना है. यानी आप उनको जो भी फील्ड विजिट्स या इन सब के थ्रू भी नॉलेज को दे सकते हैं. फिर इसका जो कॉन्क्लूजन है इसमें आप देख सकते हैं. ठीक है, आपने जैसे अभी तक देखा कि साइंटिफिक इट फोकसेस ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. ठीक है, और उसके साथ ही इसके जो यूनिवर्सल, क्योंकि जो भी साइंटिफिक चीज़ें हैं वो यूनिवर्सल हैं. ठीक है, उनको हम कहीं भी खंडित नहीं कर सकते. तो ये यही कहता है कि जितने भी जो वैल्यूज़ हैं वो जो है यूनिवर्सल हैं. ठीक है, और उसके साथ ही साथ रियलिस्ट टीचर्स फोकस ऑन टीचिंग साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. यानी रियलिस्ट टीचर ये बताते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड्स हैं अबाउट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके बारे में बात करते हैं. फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात भी करता है, लेकिन टीचिंग स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी रिगर एंड स्टिलिंग प्रैक्टिकल नॉलेज. ठीक है, तो वो काम करवाते करवाते ही उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने की बात करता है और कैरेक्टर के अपलिफ्टमेंट की बात करता है. फिर रियलिस्ट टीचर शुड बी एक्सपर्ट्स इन देयर सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, वही एफिशिएंट टीचर की बात करता है. फिर है द ओपनिंग ऑफ साइंस क्लासेस इन एवरी स्कूल इज अ मस्ट, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है. तो ये यही बात करता है कि जो भी आपका जो साइंस क्लासेज हैं वो हमेशा वो ज़रूर कंडक्ट करानी चाहिए स्कूल को. फिर स्कूल इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, इट इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी एंड इट प्रेजेंट्स द रियल पिक्चर ऑफ द सोसाइटी. यानी जो भी रियल पिक्चर है सोसाइटी की उसी को बच्चे के सामने प्रेजेंट करना चाहिए. मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी स्कूल को होना चाहिए और ये मिरर ऑफ सोसाइटी होना चाहिए. लिमिटेशंस में क्या है कि जो है बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है ये. अगर एक हिसाब से देखा जाए कि सिर्फ जो है मटीरियलिज्म की बात करता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं किया. ठीक है, तो ये एक है. उसके बाद में स्पिरिचुअल वर्ड को तो बिल्कुल नेगलेक्ट किया इसने. इट डज नॉट एक्सेप्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इटर्नल वैल्यूज विदाउट विच इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेन हैप्पीनेस. क्योंकि जब तक हमारे पास इटर्नल वैल्यूज़ नहीं होंगी तब तक हम हैप्पीनेस को नहीं पा सकते. ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये इसका एक ड्रॉबैक रहा. तो इस तरीके से ये आपकी रियलिज्म की भी विचारधारा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है. आप अपने जो भी सुझाव हैं वो कमेंट्स के थ्रू या फिर ऐसे भी आप अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. नमस्कार.